आज रायपुर छत्तीसगढ़ में चंद्रनाहो कुर्मी क्षत्रिय समाज में विभिन्न पदों का चुनाव हुआ। इन चुनाव में 5 राज्य से 12-12 प्रतिनिधि चुनकर आए हुए थे। इन्हीं प्रतिनिधियों में से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, महिला उपाध्यक्ष इत्यादि पदों पर चुनाव हुआ। मैं प्रवीण चंद्राकर धमतरी जिला कुरूस से छत्तीसगढ़ चंद्रनाहो कुर्मी क्षत्रिय समाज का निर्वाचन अधिकारी के पद पर हूँ और ये मेरे सहयोगी हैं बसंत जी चंद्राकर, सहायक निर्वाचन अधिकारी भिलाई से। आप होमकांत जी चंद्राकर हैं, आप भी सहायक निर्वाचन अधिकारी रायपुर से। आज हम लोगों को जिम्मेदारी मिली थी यहाँ का निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न कराने का और निर्धारित समय सबको सूचना देने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत से 60 प्रतिनिधि निर्वाचित हो गए थे और उनके बीच आज निर्वाचन हुआ जिसमें 2 लोग अनुपस्थित रहे, 58 यहाँ उपस्थित रहे। और इसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा, जिसमें एक अश्विनी चंद्राकर जी वर्तमान जो अध्यक्ष थे और एक दिनेश चंद्राकर जी, जिसमें अश्विनी चंद्राकर जी 6 मतों से विजयी घोषित हुए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए अयोध्या चंद्राकर जी जो बेमेतरा जिले से हैं, निर्विरोध उनका नामांकन प्राप्त हुआ, निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। इसी प्रकार से महिला उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती बिमला चंद्राकर का नामांकन प्राप्त हुआ, जो भी एक होने के कारण निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष के लिए नरेश चंद्राकर जी का नामांकन प्राप्त हुआ, नरेश चंद्राकर जी माफ हो गए, वो भी निर्विरोध हुआ। इसी प्रकार संगठन सचिव के पद के लिए बालाराम जी चंद्रवंशी कवर्धा क्षेत्र से हुए, उनका भी नामांकन एक ही प्राप्त होने के कारण वो भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। और महासचिव पद के लिए 2 पदों पर 2 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा, निर्धारित समय के बाद भी नामांकन नहीं उठाने से उनका निर्वाचन हुआ। उसमें लीलाधरी चंद्राकर एक हैं और विनोद जी चंद्राकर। लीलाधरी चंद्राकर रायपुर निवासी हैं, विनोद जी बागभारा निवासी, माफ होने और इसमें भी वोटिंग हुई, इसमें भी विनोद चंद्राकर जी 6 मतों से निर्विरोध 6 मतों से विजयी घोषित किए गए। इस प्रकार से आज यहाँ शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण में बढ़िया ढंग से यह निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बोलिए, मैं चुनाव अधिकारी, केंद्रीय सहायक चुनाव अधिकारी श्री बसंत कुमार चंद्राकर। हमारे अभी त्रिस्तरीय जो चुनाव प्रणाली है हमारी, ग्रामीण इकाई से प्रारंभ होता है और ये ग्रामीण इकाई के पश्चात उपक्षेत्र का चुनाव निर्वाचन होता है, उपक्षेत्र के पश्चात राज्य इकाई के चुनाव संपन्न करते हैं, राज्य के पश्चात हम केंद्र के चुनाव की प्रक्रिया करते हैं जो हमारा अंतिम चरण होता है। और संपूर्ण राज्य में अलग अलग राज्य की अलग अलग व्यवस्था है। रायपुर राज्य जिसका केंद्रीय कार्यालय महासमुंद है, वहाँ से कुल 16 प्रतिनिधि पदाधिकारियों सहित चयन होके आते हैं। उसी प्रकार से अन्य जो 3 राज्य हैं जिसमें दुर्ग राज, कवर्धा राज और दुर्ग, कवर्धा और कुरुत, ये 3 राज्य हैं जिसमें कुल 12 पदाधिकारियों को मिला करके 12 प्रतिनिधि आते हैं। और बेमेतरा राज एकमात्र छोटा राज होने की वजह से वहाँ से पदाधिकारियों सहित कुल 8 प्रतिनिधि आते हैं और समस्त राज्य से 2 महिला प्रतिनिधि हमारे समाज के द्वारा पूरे राज्य से प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये आज हमारा 8 तारीख को जो चुनाव संपन्न हो रहा है केंद्रीय पदाधिकारियों के लिए और केंद्र के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव संपन्न। मैं विनोद चंद्राकर, ग्राम कोना, पिता का नाम श्री सेवनलाल चंद्राकर। अभी मैं चन्नाहो कुर्मी समाज का महामंत्री पद में निर्वाचित हुआ हूँ और समाज का लगातार पिछले 6 वर्षों से मैं पहले अध्यक्ष भी था युवा कुर्मी समाज का, महासमुंद रायपुर राज का, उसके बाद फिर रायपुर राज ट्रस्ट कमेटी का अध्यक्ष 2 बार रहा निर्विरोध। अब महामंत्री का दायित्व मुझे समाज ने सौंपा है और समाज ने मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको निश्चित रूप से हम निष्ठा के साथ, लगन के साथ
काम करके दिखाएंगे। हमारे समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ भी चली आ रही हैं, उसको निश्चित रूप से हम हमारे टीम के साथ समाज के साथ मिलकर जुलकर उन कुरीतियों को दूर करेंगे और समाज उत्थान के लिए कार्य करेंगे। हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए सुअवसर प्रदान करने की कोशिश करेंगे और सभी वर्ग को हम साथ लेकर चलेंगे। महासमुंद रायपुर राज में पहले भी ट्रस्ट कमेटी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, युवा पद का भी जिम्मेदारी पहले निर्वहन कर चुका हूँ। युवा लोग हमारे महासमुंद में हमने एक टीम बनाई, लगातार हम अधिवेशन करते रहते हैं युवाओं का अलग से, उसमें हम व्यवसाय में ज़्यादा आने को लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। वहाँ पॉलिश फैक्ट्री में लगभग 100 युवा गुर्मी लड़के लोग काम कर रहे हैं, उनका खुद का फैक्ट्री है। बोरवेल का भी काम चंद्राकर बंधुओं के हाथ में है। पोल्ट्री का लगभग 5 लाख बर्ड्स का 5 लाख बर्ड्स का सेट लगभग कुर्मी भाई लोग के पास है महासमुंद में। तो हमने लगातार उनको प्रेरित किया है कि व्यवसाय में आ गया है। अब हमारा एक और उद्देश्य है कि अब हमारे जो युवा हैं वो और MBBS करें, इंजीनियरिंग करें, उसके लिए हम काम करेंगे। नहीं, हमने महासमुंद रायपुर राज में हमारा चन्नाहो शिक्षण समिति एक ठोक है, जिसमें हमने चंद्रोदय पब्लिक स्कूल पिछले लास्ट ईयर शुरू किया, जिसमें आज 400 का स्ट्रेंथ है। हमने मेहनत करके उसे नया आयाम दिया है। हमारे यहाँ BEd कॉलेज है, प्राइमरी से लेकर पूरे कॉलेज तक हम संस्था चला रहे हैं, ये समाज चला रही है उसको। मेरा नाम अयोध्या चंद्राकर है। पूर्व में मैं बेमेतरा जिला का अध्यक्ष था, अभी केंद्रीय प्रतिनिधि हूँ। समाज के लिए, समाज को गति देना, दशा और दिशा के साथ शिक्षा, ये मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और समाज में जो कुरीति है उस कुरीति को निकाल कर सामाजिक दशा को सुधारना, ये मेरी लक्ष्य। ये अपन तो अभी उपाध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ केंद्र में, ये मेरा पहला कार्यकाल है। और इसमें हम पांच राज्य को मिलकर, है ना, पांच राज्य के सभी केंद्रीय प्रतिनिधि और समाज के जो राज के अध्यक्ष हैं सबसे मिलकर समाज में जो कुरीति आती, जैसे विधवा स्त्री को शादी नहीं करना, ये भी एक कुरीति था, उसको लाना। और आदर्श विवाह जो गरीब हैं, जो नहीं कर सकते, गरीब ऐसे व्यक्तियों को इकट्ठा कर उनके बच्चों की आदर्श विवाह करना, मैं बहुत अच्छा और अपना लक्ष्य मानता हूँ। हमारे समाज में ऐसे बाल श्रमिक नहीं देखने को मिलता जनरली, मतलब समाज में नहीं, बाहर में भी देखने को मिलता। हाँ, बाल श्रमिक के लिए कुछ बाल श्रमिक को तो कहीं भी किसी भी समाज को ये नहीं चाहिए कि उसके बालिक के होते तक काम कराना। उनको उनके लक्ष्य ये रखना चाहिए उनके माता पिता को कि वो पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर अपने को सुयोग्य और सुदृढ़ बनाए। सर, युवा के लिए कुछ आपका उद्देश्य, मतलब कुछ प्रवर्तन? युवा के लिए मेरा उद्देश्य ये है, समाज में और अगर हो तो शिक्षा में, उससे भी वंचित हो गए तो राजनीति में आकर अपना सहयोग या तो देश के लिए, राज्य के लिए, या समाज के लिए, या अपने शहर या गांव के लिए करना उनकी प्रतिबद्धता समझता हूँ और करना चाहिए। मेरा नाम बालाराम चंद्रवंशी, मैं ग्राम 4 भाटा खुर्द का रहने वाला हूँ, विकासखंड पंडरिया और जिला कबीरधाम। मुझे अभी प्रदेश में संगठन मंत्री का दायित्व मिला है, निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुआ हूँ। मैं तो ये चाहूँगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है, इसलिए समाज संगठित हो, समाज मजबूत हो। और संगठन का मतलब ये होता है समाज में कि हम दूसरे समाज के लोगों से घृणा करें, नफरत करें, ऐसा कदापि नहीं है। समाज में अपना संगठन मजबूत करके हम एक दूसरे के सुख दुख में, पूरे समाज दूसरे व्यक्ति के दुखों को अपना दुख मान करके चले, तो हर सुख दुख में हमारा समाज आपस में संगठित रहे, सब मिल करके हम समाज के विकास की सोचें, अपने गाँव के विकास की सोचें, क्षेत्र के विकास की सोचें, ये प्रयास मेरा
रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ चंदाहू पूर्वी छत्री समाज में लगभग जिला को राज के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें हमारे 5 राज हैं। एक कवर्धा राज, दूसरा बेमेतरा राज, तीसरा दुर्ग राज, चौथा रायपुर राज और पांचवा कुरुद राज। ये 5 राज से जो राज प्रतिनिधि, एक एक राज से 12-12 प्रतिनिधि चुन करके आए थे, और वही 12-12 प्रतिनिधियों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, महिला उपाध्यक्ष इत्यादि पदों पर चुनाव हुआ। हमेशा से प्रयास रहा है, समाज का भी रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी हमारे समाज में शिक्षा को विशेष ध्यान दिए हैं कि कुर्मी समाज के द्वारा अनेक हॉस्टल, अभी जो स्थान पर हम खड़े हैं चरनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज का ये हॉस्टल है, यहाँ से बहुत सारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके निकले। हमारे कवर्धा राज में भी कुर्मी समाज का हॉस्टल है और कन्या छात्रावास भी कुर्मी समाज का, जिस पर सिर्फ कुर्मी बच्चों को ही प्रवेश न दे करके अन्य समाज के लोगों को भी हम प्रवेश देते हैं और सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने के लिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी शिक्षित हो और युवा वर्ग पढ़ लिख करके स्वरोजगार के लिए काम करे, क्योंकि सरकार के ऊपर नौकरी के लिए आश्रित रहने से समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसलिए स्वरोजगार की ओर हम बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, और खासकर जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, कवर्धा जिला, कवर्धा जिला में हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी स्वरोजगार, कोई उद्योग के क्षेत्र में, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में, कोई नौकरी के क्षेत्र में, कोई राजनीति के क्षेत्र में, हर तरह से कबीरधाम जिला निश्चित रूप छत्तीसगढ़ में काफ़ी उत्तरोत्तर विकास किया है, और इसमें हमारे युवा शक्ति का सहयोग रहा है और समाज के लोगों का भी सहयोग रहा है कि कुर्मी समाज कवर्धा जिला में अग्रणी समाज के रूप में जाना जाता है। मैं श्रीमती विमला चंद्राकर महासमुंद से हूँ, पूर्व में 2 बार से पार्षद रही हूँ, अभी मैं रायपुर राज से मतलब वहाँ से जीत के आई हूँ मैं, और मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, सभी महिलाओं को जोड़ने के लिए यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं सभी को साथ लेके चलूँगी, और हमारे समाज जो विकास पाने बाढ़ जो रही समाज है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना है, यही सोचकर मैंने चुनाव लड़ी है और मैं निर्विरोध जीत गई। मेरा नाम अश्वनी चंद्राकर, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के लिए नवनिर्वाचित हुआ हूँ, चंदाहू कुर्मी छत्री समाज के लिए। सारे पदों में निर्विरोध निर्वाचित हुए, सिर्फ अध्यक्ष और महामंत्री के पद में चुनाव हुआ। महामंत्री के चुनाव वोटिंग हो गए, गणना प्रारंभ है, चूँकि अध्यक्ष का अभी डिक्लेयर हुआ है। मैं मतलब 32 वोट पाया, और मेरे साथ जो चुनाव लड़े दिनेश चंद्राकर जी, वो 26 वोट पाए, 6 वोट से मैं विजयी हुआ। 5 राज्य से आए हैं, एक तो दुर्ग राज, कुरुद राज, बेमेतरा राज, कवर्धा राज, रायपुर राज, यहाँ से पूरे 5 राज्य से 60 मतदाता आज के चुनाव में भाग लिए हैं। अध्यक्ष के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट है, कोषाध्यक्ष है, और महिला उपाध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है सचिव पद के लिए, कोषाध्यक्ष जी मेरे बाजू में खड़े हैं सम्मानी नरेश चंद्राकर जी, और संगठन मंत्री है। ये 6 पद के लिए आज निर्वाचन हुआ है, और चूंकि चंदाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज का एक इतिहास रहा है कि हमारे लोग, हम लोग रूट लेवल से ग्राम प्रतिनिधि चयन करके केंद्र तक का जो चुनाव जो होता है, वो वहाँ से प्रतिनिधि जो आते हैं प्रत्येक राज्य से, उसमें चुनाव होता है, और हमारी हम लोगों के जो चुनाव में एक सामाजिक समरसता का वातावरण निर्माण करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सारे मतदाता भाग लेते हैं। मैं नरेश चंद्राकर अभी प्रदेश कोषाध्यक्ष द्वितीय बार निर्वाचित हुआ हूँ, निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। आज वही ये सब मिलजुल के काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने के विकास के लिए जो अच्छी बातें होंगी सबके समन्वय से सब साथ चलेंगे अपन। समाज का भी जैसे हमारा ये यहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था है हमारे केंद्रीय, उसमें जो बहुत करीब 25 वर्षों से छात्रावास संचालित है, और इस ज़मीन जो खाली पड़ी ज़मीन पे अपन एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमारा प्रस्ताव हुआ है, और आने वाले समय में एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के तौर पे इसको विकसित किया जाएगा। रोज़गार तो हमारे समाज में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई उद्यमी है, तो उनके अनुभव का लाभ लेके जो युवा बेरोजगारों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अरे समाज के विभिन्न लोग विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं, स्वयं का उनका उद्योग है, उनमें हम अपने बेरोजगार युवाओं को जो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित हैं उनको उनका अनुभव का लाभ दिलाते हैं और हुनर सीख रहे हैं। इसी तरह के
वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।